हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त हरविंदर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हरविंदर गेमिंग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले कि WCC 3 गेम के अंदर न्यू अपडेट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है, तो इसमें फीचर कौन कौन से आने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जब इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो मन तक बन रहेगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फाइनली कर लेते हैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको कुछ फीचर के बारे में बता देता हूं। सबसे पहला फीचर है स्लेजिंग का। यहाँ पर आपको पता होगा कि WCC 3 गेम के अंदर आपको स्लेजिंग का फीचर देखने को नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपको रियल क्रिकेट 20 गेम के अंदर आपको स्लेजिंग का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है स्लेजिंग का फीचर, लेकिन देखने को मिल जाता है। भैया अगर WCC 3 गेम को यहाँ पर स्लेजिंग का फीचर ऐड करना होगा, क्योंकि फैंस की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि हमें वहाँ पर न्यू स्लेजिंग का फीचर चाहिए, क्योंकि WCC 3 गेम काफ़ी बढ़िया गेम है। अगर स्लेजिंग का फीचर और इस गेम के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर जो है वो गेम और भी बढ़िया हो जाएगा। तो स्लेजिंग का फीचर भी यहाँ पर ऐड हो सकता है यहाँ पर WCC 3 के नेक्स्ट अपडेट के अंदर या फिर आने वाले अपडेट के अंदर। जो फीचर है वो है पिच रिपोर्ट का। आप WCC 3 गेम के अंदर आपको पता होगा कि पिच रिपोर्ट का फीचर देखने को नहीं मिलता, लेकिन RVG क्रिकेट गेम के अंदर आपको पिच रिपोर्ट का फीचर देखने को मिल जाता है, लेकिन WCC 3 गेम के अंदर भी आपको पिच रिपोर्ट का फीचर ऐड होना चाहिए, क्योंकि फैंस की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि पिच रिपोर्ट का फीचर उनको चाहिए, लेकिन WCC 3 वाले पिच रिपोर्ट का फीचर कोई भी ऐड वगैरह नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई स्लेजिंग वगैरह ऐड कर रहे हैं, ना ही कोई पिच रिपोर्ट का फीचर ऐड कर रहे हैं। तो पिच रिपोर्ट का भी फीचर यहाँ पर जो है वो देखने को मिल सकता है नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपको WCC 3 गेम के अंदर। मल्टीमीडिया की कंपनी है वो आप जो भी फैंस की डिमांड है उसी के ऊपर काम करते हैं। अभी फैंस के सबसे ज़्यादा डिमांड हो चुके हैं कि स्लेजिंग का फीचर और साथ में पिच रिपोर्ट का फीचर उनको चाहिए, तो ये दोनों फीचर यहाँ पर कंपनी इसके ऊपर वर्क कर रही है, काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं वो। तो यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट के अंदर आपको जो है वो स्लेजिंग और साथ में पिच रिपोर्ट का फीचर भी देखने को मिल सकता है WCC 3 गेम के अंदर। तो हम बात करें कि जो अपडेट आपको कब तक देखने को मिलने वाला है। जो लास्ट अपडेट आया था वो जुलाई के स्टार्टिंग में आया था, 1 जुलाई को देखने को मिला था, उसके बाद से इसके कोई भी अपडेट जो है देखने को नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जुलाई के मंथ में कोई भी अपडेट आपको देखने को नहीं मिलने वाला, और वैसे भी यहाँ पर जुलाई का मंथ लगभग समाप्त हो चुका है। जो भी इसका अपडेट आने वाला वो अगस्त के मंथ में आने वाला है, तो 20 अगस्त तक आपको ये जो अपडेट है देखने को मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा अपडेट आपको देखने को मिलने वाला है, छोटा अपडेट तो नहीं होगा, क्योंकि एक मंथ से ज़्यादा टाइम हो चुका है अब एक अपडेट आए को, तो यहाँ पर एक छोटा सा कोई ना कोई अपडेट नहीं होने वाला है। एक काफ़ी बड़ा मेगा अपडेट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इसके लास्ट 3-4 जो भी अपडेट आए काफ़ी अच्छे अपडेट आए हैं, नए नए कटसिंस फीचर के साथ नए नए फीचर ऐड हुए हैं लास्ट 3-4 अपडेट के अंदर, काफ़ी बढ़िया बढ़िया फीचर यहाँ पर कंपनी ने ऐड किया। तो इस अपडेट के अंदर भी आपको नए नए फीचर वगैरह देखने को मिलने वाले हैं यहाँ पर गेम के अंदर। तो ये जो अपडेट आपको अगस्त की 20 तारीख तक जरूर से देखने को मिलेगा, या फिर 15 अगस्त तक भी देखने को मिल सकता है। मेरे कहने का मतलब है कि 20 अगस्त से पहले पहले आपको WCC 3 गेम के अंदर यहाँ पर कोई ना कोई अपडेट जरूर से देखने को मिलेगा। तो ये था आज का वीडियो कहीं पर खत्म कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगे डिसलाइक मार देना। चैनल पर पहली बार विजिट कर तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।